ना मावा, ना चाशनी और ना घी, बिल्कुल मक्खन से मुलायम नारियल बर्फी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी हम आपको बताते हैं, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो कटोरी के हिसाब से मैं बताऊं तो आपको लेनी होगी 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी नारियल का बुरादा। तो सबसे पहले दूध को हम एक कढ़ाई के अंदर डालते हैं और उसके अंदर चीनी डाल देते हैं। तो दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। लगभग 5 मिनट दूध उबालने के बाद हमारा ये मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसे हल्का थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, इस तरह का। बाजार जैसा कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे हल्का सा पीला कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, ये मिक्सचर तैयार होने के बाद सबसे लास्ट में हम डालेंगे नारियल का बुरादा। एक खास चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जितना दूध है उतनी ही चीनी लेनी है, उतना ही नारियल का बुरादा। ये हम दुकान के लिए बना रहे हैं इसलिए ये सामग्री हमारी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। मैंने आपको कटोरी के हिसाब से बताया था, तीनों चीज़ एक एक कटोरी लेनी है। नारियल बुरादा मिक्स होने के बाद जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे तो आप गैस को बंद कर दीजिए। ये हमारा मिक्सचर अब कढ़ाई छोड़ चुका है, हमने गैस बंद कर दी है। और इसे मिक्सचर को थोड़ा स्मूथ करने के लिए इसमें आप मलाई डाल सकते हैं, अगर मलाई अवेलेबल ना हो तो आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो बाज़ार में मिलती है अमूल क्रीम, वो आप डाल सकते हैं। अब ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, इसे आप एक बर्तन में निकाल लीजिए। ध्यान रखिए इसे ज़्यादा देर तक ठंडा नहीं करना है, ये हल्का गुनगुना सा हो तभी इसे जमाना है। तो कढ़ाई से निकालने के 2 से 3 मिनट बाद ही हम इसे जमाएंगे। जमाने के लिए आपको घर में बर्तन लेना होगा, आपके पास जो भी अवेलेबल है, कोई थाली हो या कोई ट्रे हो, उसके अंदर हल्का थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए ताकि चिपके ना। अब इस मिक्सचर को ट्रे के अंदर डाल दीजिए। दोस्तों 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी ये स्वीट्स तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और बच्चों बूढ़ों और सभी को ये मिठाई बहुत ही पसंद आती है। अब इस ट्रे के अंदर हल्के हाथों से आप इसे सेट कर दीजिए। तो हमने ये बर्फी जमा दी है, इसके ऊपर सजावट के लिए आप कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं। तो हम ये इसके ऊपर सिल्वर वर्क है, चांदी का वर्क होता है, वो इसके ऊपर लगा देंगे सजावट के लिए। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो लगा दीजिए वरना आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो जमाने के 3 से 4 मिनट बाद ही हमारी बर्फी रेडी हो जाती है। तो चलिए इसे काट लेते हैं। आपकी जो पसंद हो उसी शेप के अंदर आप इसे काटें।
ये बाजार वाली सेब है जो दुकान पर रेस्टोरेंट में लगाई जाती है, हम उसी आकार में इसे काट रहे हैं। तो ये देखिए हमारी नारियल की बर्फी बिल्कुल तैयार है, एकदम सॉफ्ट। आप 10 से 15 दिन तक इसे घर में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मेरे दबाने से कितनी सॉफ्ट है ये। ड्राई फ्रूट वगैरह लगा के आप इसे सजा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।